आपका क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रूपीज 498.96. इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज रूपीज 2 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम. सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, दैट मीन्स सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, दैट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. और इसमें क्या दे रखा है कि टोटल कॉस्ट उसको इतना लगा, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रूपीज 498.96 और रेट कितना था उसका, रेट इज इक्वल टू रूपीज 2 रूपीज के हिसाब से. ठीक है, अब कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट इज गिव्स यू सीएसए, तो हमारा होगा सीएसए इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट. तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 498.96 बाय टू. टू से कट करो, आपका क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 4 9.48. क्या हो गया हमारा, इट्स अ मीटर स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर. फिर इसने क्या कहा कि वॉल्यूम निकालना है हमको, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस भी चाहिए. ठीक है, तो रेडियस निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, तो हमारा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 × 22/7 × r². क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48, पॉइंट हटा रहा हूं, नीचे 100 आ गया हमारा, × 7/2 × 22. अब हम कट करते हैं इसको, 2 1 जा, और ये कितना हो गया हमारा, 1 2 4 7 and 4. 2 से कट हो गया, फिर 2 से कट करते हैं, नीचे 11 आ गया, ऊपर क्या आ गया, 6 2 3 and 7. ठीक है, 6 and 3 कितना हो गया, 9, 2 and 7 कितना हो गया, 9, यानी ये 11 से भी कट रहा है, तो 11 से हम कट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 is 55, यानी 73 बच गया, 73 यानी 66, है ना, फिर 77 यानी 7, 567 इंटू 7/100. ठीक है, तो 567 किसी में जा रहा है, 7 से जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 81 by 100. और 81 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, 9 × 9, हमारा हुआ 7 × 7 × 9 × 9 by 100. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर.
तो व्हाट इज आर, तो आर हमारा क्या होगा, आर हमारा होगा रूट ऑफ 7 × 7 × 9 × 9 by 100, ठीक है, by 100, तो 100, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेयर में है बाहर आ जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7 × 9, दैट इज इक्वल टू 7 × 9 by 10, ठीक है। तो 7 × 9 = 63, 63 by 10 दैट इज इक्वल टू 6.3 meters इज योर रेडियस, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू 2/3 πr³, ठीक है। तो 2/3 πr³, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 2πr² × r बाई थ्री, इस टाइप से भी लिख सकता हूं। तो आप देखोगे कि 2πr² इज योर CSA, इज योर CSA, तो CSA का हमारा कितना आया था, 2πr² इज इक्वल टू 249.48, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये वाली, तो हमारा हो गया, इसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई क्या है, ये 249.48 by 3 इंटू वॉट इज आर, आर इज 6.3, तो 3 से कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2.1, तो 249.48 × 2.1, इसको करके देखते हैं हमारा कितना आता है, देखते हैं 2.4 8 and 2.1 8 4 9 4 2 2 8 16 2 4 8 1 9 2 9 18 1 carry 2 4 8 1 9 and 2 2 4 8 0 1 carry 19 1 carry 13 1 carry 12 1 carry 5, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 2 3 9 0 8, अब डॉट कहां पर आ गया, 1 2 and 3 1 2 and 3, यानी यहां पर 523.908 m³ is your volume, ठीक है।